इस पर भी एफटीओ प्रॉफिट नो है और इस पर भी एफटीओ प्रॉफिट नो है। ये वाली स्ट्रास पर पैसा मिलेगा लेकिन ये वाली स्ट्रास पर पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि बात करें इलिजिबिलिटी स्ट्रास पर, लैंड सेटिंग, इक्वाइसी, आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही है। दूसरे नंबर के स्टेटस की बात करें तो इस पर भी देखिए लैंड सेटिंग, इक्वाइसी, आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही है। तो मैंने आप सभी को ऐसा क्यों कहा है कि ये पहली वाली स्ट्रास पर किसान सम्मान निधि योजना आपसे 2000 रुपया का जो किस्त है 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ नहीं मिलेगा। प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्यों किसान सम्मान निधि योजना आपसे पहली वाली स्ट्रास पर पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपसे 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट 15 नवंबर 2023 में जारी किया था। जिन जिन लाभार्थी इक्वाइसी को किया है उन सभी लाभार्थी को पैसा मिलेगा करके किसान सम्मान निधि योजना आपसे ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना आपसे अगली किस्त यानी कि 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा इसका ऊपर अब तक फाइनल डेट नहीं दिया है, लेकिन लगभग इसी महीने का लास्ट दिन आने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए सभी लाभार्थी को अपने अपने स्ट्रास को एक बार वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया कि सभी स्ट्रास पर पैसा जारी नहीं होगा। आप स्ट्रास को वेरीफाई करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। इसके लिए सभी लाभार्थी को फार्मर कॉर्नर पर आकर नाउ योर स्ट्रास पर क्लिक करके अपने स्ट्रास को जरूर ओपन कर लीजिएगा। स्ट्रास को ओपन करने के लिए सभी लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करना होगा, कैप्चा डाल के गेट ओटीपी वेरीफाई करके बेनिफिशियरी स्ट्रास को चेक कर सकते हैं। जिन लाभार्थी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आधार और मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफिकेशन करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के सभी लोग अपने अपने स्ट्रास को जरूर ओपन कीजिएगा। स्ट्रास पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको पासवर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पासवर्ड इन्फॉर्मेशन में देखिए सभी लाभार्थी को इसमें मोबाइल नंबर शो करना इंपॉर्टेंट है। ये है आपका किसान मोबाइल नंबर शो करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी लाभार्थी को जाना होगा इलिजिबिलिटी स्ट्रास पर। इलिजिबिलिटी स्ट्रास पर इस पर देखिए लैंड सेटिंग भी यस है, इक्वाइसी यस है, आधार बैंक सेटिंग स्ट्रास यस है। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की बात करें तो ये जो लाभार्थी 6 नंबर के इंस्टॉलमेंट के जगह वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट शो कर रहे और एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हो रहे। एफटीओ प्रोसीड यस तब भी आपका यस होगा जब आपका फंड ट्रांसफर सक्सेस किया जाएगा। जब भी आपका पैसा आपका अकाउंट पर ट्रांसफर करने वाला है तब से लेकर आपको 2 से 3 दिन यानी कि 3 घंटा पहले भी आपका एफटीओ प्रोसीड नो से यस हो सकते हैं। एफटीओ प्रोसीड नो है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अभी ये जो किसान है ये किसान का ट्रांसफर 6 नंबर का इंस्टॉलमेंट जरूर रिसीप्ट होगा और आने वाला इंस्टॉलमेंट के साथ टोटल 4000 रुपया ये लाभार्थी को मिलने वाला है। अभी हम जानते हैं और एक किसान का स्ट्रास जिस पर पैसा जारी नहीं होगा। इसके लिए देखिए सभी लाभार्थी को पास इन्फॉर्मेशन में दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा। इस पर भी देखिए सबको सही बता रहे और इसमें मोबाइल नंबर भी शो कर रहे हैं। उसके बाद इलिजिबिलिटी स्ट्रास की बात करें तो लैंड सेटिंग यस है, इक्वाइसी यस है, आधार सेटिंग यस है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर एफटीओ प्रोसेस नो है और स्ट्रास पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अपडेट नहीं हुआ है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट अपडेट नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिन जिन किसान का इसी तरह स्ट्रास ब्लैंक होगा उन सभी किसानों को भी पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा इसलिए नहीं मिलेगा इसका मेन कारण है देखिए इसमें इकवाईसी क्या हुआ डेट शो नहीं कर रहे। उसके बाद इसमें ऊपर में दिखाई देगा आपको रजिस्ट्रेशन क्या हुआ डेट शो नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन क्या हुआ डेट शो नहीं करेगा उसके बाद भी इतना मैंडेटोरी नहीं है कि यह सर्वर की वजह से हो सकता है, लेकिन जिन जिन किसान भाई का लास्ट इकवाईसी अपडेशन का डेट शो नहीं कर रहे उन सारे लाभार्थी का पैसा 100% नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें तो ये लाभार्थी का सब कुछ सही है, सिर्फ इसमें क्या बता रहे हैं इकवाईसी क्या हुआ लास्ट डेट इसी पर शो नहीं कर रहे। उसके बाद बात करें तो इस पर देखिए ये किसान का इकवाईसी क्या हुआ लास्ट डेट शो कर रहे। इसके दोनों स्ट्रास पर दोनों में से एक ही स्ट्रास ऐसे है कि इसे पैसा नहीं मिलेगा। पहली वाली स्ट्रास पर पैसा ना मिलने का रीजन है कि इकवाईसी क्या हुआ डेट शो नहीं कर रहे। आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिएगा किन किन किसानों का यह प्रॉब्लम शो कर रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से इकवाईसी क्या हुआ डेट शो नहीं कर रहे, यानी कि इकवाईसी क्या हुआ डेट बहुत सारे किसानों का अभी शो नहीं कर रहे। व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आ चुका है, 2-3 किसान ने मुझे कॉल भी करके दिया है ऑलरेडी इकवाईसी क्या हुआ डेट ऑलरेडी रिमूव हो रहा है। इसके लिए सभी लाभार्थी अपने अपने स्ट्रास को वेरीफाई करके चेक कीजिएगा कि इकवाईसी क्या हुआ लास्ट डेट इस पर शो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना में इकवाईसी इतना मैंडेटरी कर दिया है कि इस पर आपका लास्ट डेट शो करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के सबसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन द्वारा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।